उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। सरकारी विभागों की ओर से स्टॉल्स लगाकर वंचितों को योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया। इस मौके पर सांसद मेनका गांधी ने बताया कि सुल्तानपुर जिले के 926 गांवों का भ्रमण कर 6,85,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का सफल प्रयास किया गया है। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की वजह से विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। सुल्तानपुर के कादीपुर और बिरसिंहपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान सांसद मेनका गांधी ने कहा कि इस यात्रा का सबसे बड़ा असर ऐसे नागरिकों पर पड़ा है जिन्हें केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला था। जो रह गए थे, जो वंचित रहे अभी तक ये जो लाभार्थी से, उन सब का पूरा हो जाए और बहुत ही अच्छा रहा है। जिला विकास अधिकारी के मुताबिक विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सबसे बड़ा लाभ आयुष्मान भारत योजना के तहत हुआ है। जिले के 427 गांव में आयुष्मान कार्ड 100% बनाए गए हैं। पेंशन के लाभार्थी में लगभग 100% उपलब्धि हासिल कर ली गई है। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस कनेक्शंस जिनके छूटे थे उनको भी हम लोगों ने सैचुरेट करा दिया, और राशन कार्ड, विभिन्न प्रकार के जो भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जो भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, उसमें लगभग हम लोग 100% सैचुरेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। वहीं योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। समूह सखी का काम करते हैं, जो कि हम 10-12 समूह देखते हैं, जिसमें हमें 5 समूह का CCL हो गया है और सब में RAF CIF का डिमांड हो गया है। हम घर खर्चा चला लेते हैं इसमें, और अपने हम इस काम से बहुत ज़्यादा ही संपन्न हैं, जिसमें हम और दीदियों का सहयोग लेना चाहेंगे कि इसमें आगे बढ़ें और हम सबका साथ दें। मैं सम्मानित 2,000 रुपया जब से मिल रहा है बरोबर मिलता है, इसका मैं खेती बाड़ी में पूरा इस्तेमाल करता हूँ। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। हम समूह से जुड़ के वो झाड़ू चप्पल का बिजनेस कर रहे हैं, इससे हमारा इनकम, जैसे एक चप्पल के पीछे 60 से 70 रुपए खर्च आता है, वो दुकान पे सेलिंग करते हैं, 100 रुपए कम से कम उसके बचत, 30 से 35 रुपए हर चप्पल के पीछे बचता है। हम समूह से जुड़कर उसके बाद में BC सखी के पद पर काम कर रहे हैं। इससे हमें मतलब जितना ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, महीने का इनकम हमारा 4,4500 रुपये बनता है मंथली। उसके बाद में पहले जैसे इस समय हमें बहुत सहयोग मिला है समूह के माध्यम से। कई बार जागरूकता की कमी तो कई बार दूसरी वजहों से कुछ लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए मोदी की गारंटी की गाड़ी गांव-गांव जा रही है। इस दौरान लाभ पाने से वंचित लोगों का रजिस्ट्रेशन कराकर उन्हें मौके पर ही लाभ भी दिया जा रहा है।